हेलो दोस्तों, एक बार फिर एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ होम साइंस शो पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक हम ऐसी आइसक्रीम बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाने में उतना ही आसान। इस आइसक्रीम में ना ही हम GMS का यूज करेंगे, ना ही CMC का यूज करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क का यूज करेंगे और ना ही व्हिप्ड क्रीम का यूज करेंगे। और इस आइसक्रीम की खास बात यह है कि इसे नमक और मिर्च डाल करके खाया जाता है। नमक और मिर्च डाल करके खाने से इस आइसक्रीम का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। और यकीन मानिए, एक बार इसे आप बना करके खाएंगे ना, तो पूरी गर्मी इसी आइसक्रीम को खाना पसंद करेंगे। सिर्फ 0.5 लीटर दूध से हमारी 2.5 से 3 लीटर आइसक्रीम बन करके तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बेस बनाया हुआ है और इसे जब हम बीट करेंगे तो ये हमारी कम से कम 2.5 से 3 लीटर आइसक्रीम बन करके तैयार हो गई हुई है। तो आज हम गुआवा आइसक्रीम बनाएंगे, जिसे अमरूद या जमरूख भी कहा जाता है। ये वाइट वाला है, देखिए, आपको अगर रेड वाला मिले तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें से मैं 2 अमरूद का यूज करूंगी। वजन में करीब 250 से 300 ग्राम होंगे। ये अच्छे पके हुए हैं और इसका जो बीज का पार्ट है, इसे हम इस तरह से अलग कर देंगे और ऊपर वाला पार्ट अलग कर देंगे। यूज हम दोनों ही हिस्सों को करेंगे। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए उसको मिक्सी में ज़्यादा देर तक चलाना पड़ता है, तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग पीसेंगे। और बीज वाला पार्ट जो है, हमें बीज को पीसना नहीं है, उसे स्मूथली पीस करके और छान लेना है ताकि बीज अलग हो जाए। अगर ये मिक्सी में अच्छी तरह से नहीं पीसता है तो इसमें 2-3 चम्मच हम ठंडा दूध डाल करके पीसेंगे। इसमें गर्म दूध बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो ये फट सकता है। तो इसे हम 2-3 चम्मच दूध डाल करके और पीस लेते हैं। देखिए, ये ऊपर का हार्ड वाला हिस्सा हमने पीस लिया है और ये बहुत अच्छे से पीस गया है। इसे हम एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। देखिए, बहुत अच्छे से हमारा ये अमरूद का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो छन चुका है। अब इसका बीज वाला पार्ट भी हम इस तरह से पीस लेंगे। इसको देखिए, पल्स पे मैंने पीसा है ताकि इसके बीज इसमें ना पीसे जाए। और पीसते समय मैंने इसमें 2-3 चम्मच दूध का यूज किया है। अब अमरूद हमारा पीस करके तैयार हो गया है और इसे हम फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है और इसमें 0.5 लीटर दूध लिया है। करीब ये मेरा टोप जो है ये 3 लीटर का है और मैंने इसमें 0.5 लीटर दूध लिया है, ताकि हम आइसक्रीम को बार बार बर्तन ना बदलें। एक ही बर्तन में हम आइसक्रीम को बना करके तैयार करने वाले हैं, बार बार बर्तन को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अब हम 0.5 लीटर दूध लेंगे, ये फुल फैट वाला दूध है। अब 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है हमने, इसमें 2 चम्मच दूध डाल करके इसको घोल करके बाजू में रख देंगे। अब इस दूध में 1/2 कप शक्कर हम डालेंगे और 1/2 कप मिल्क पाउडर, और दोनों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने बर्तन को गैस पे नहीं रखा है, इसे अच्छे से हम नीचे ही पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसे गैस की फ्लेम पे चढ़ाएंगे। अब मैंने बर्तन को गैस पे रख दिया है और इसे लगातार हम चलाएंगे, नहीं तो मिल्क पाउडर जो है नीचे तले में लग सकता है। और इस वक्त गैस की फ्लेम अगर फास्ट भी रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब इसे लगातार हिलाते हुए चलाते हुए दूध में बॉईल आ जाए, उसके बाद 8-10 मिनट हम दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जब दूध अच्छे से हमारा बॉईल हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाए, तब इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर घोल के रखा था उसको मिला देंगे। देखिए, हमने कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद हमें इसे लगातार चलाना है, बिल्कुल भी हमें इसे छोड़ के ज़रा भी हटना नहीं है, लगातार हिलाते रहना है। अब इसे 4 से 5 मिनट हमें इसी तरह पकाना है और धीरे धीरे हमारा दूध इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, दूध की हमारी थिकनेस इतनी गाढ़ी हो चुकी है।
अब 5 मिनट इसे पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी थोड़ी देर पे आके हम हिला देंगे, चला देंगे, ताकि इसके ऊपर कोई मलाई की परत ना जमे। अगर हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो इस पे एक मलाई की पपड़ी जम जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर पे इसे हम आकर के चलाएंगे और ये देखिए इस तरह से ये रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस तरह से और थिक हो जाएगा। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, इतना थिक हमारा ये आइसक्रीम का बेस तैयार हुआ है। अब जो हमने अमरूद को पीस करके रखा है उसे अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। याद रखिएगा दूध, ये जो बेस है हमारा, एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, इसके बाद ही हमें इसमें अमरूद की या तो गुआवा की पेस्ट को डालना है। और इसमें हम कोई भी एसेंस नहीं डालेंगे क्योंकि हमने फ्रेश फ्रूट का यूज किया है, तो हमें किसी भी प्रकार के एसेंस की ज़रूरत नहीं है। अगर इसे आप गुआवा का रेड कलर देना चाहते हैं तो थोड़ा सा पिंच रेड कलर डाल दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ घर पे बना रही हूँ तो किसी भी कलर का यूज नहीं कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपकी इच्छा है तो आप थोड़ा सा कलर डालिए, वरना मेरी तरह एकदम प्लेन इस तरह ही बना लीजिए। अब देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसके बाद इसे हम बीटर से या तो आप मिक्सी में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं यहाँ बीटर से कर रही हूँ। इसे 4 से 5 मिनट तक हम अच्छे से बीट कर देंगे। अभी भी मैं इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र नहीं करूँगी, इसी में मैं एक क्लीन रैप लगा करके एयर टाइट करके फ्रीजर में रख देंगे हम इसे। अगर आप इस तरह से नहीं रखना चाहते हैं तो किसी एयर टाइट बॉक्स में रख करके आप इसे फ्रीजर में कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। देखिए 7 घंटे बाद हमारी आइसक्रीम इस तरह से एकदम कड़क हो चुकी है और ये पूरी अच्छी तरह से नहीं जमी है, देखिए थोड़ी सी ये सेमी जमी हुई है। तो इसे एक कांटे की चम्मच से हम इस तरह से निकाल ले रहे हैं। और इसके बाद फिर अब मैं यहाँ अमूल का ये फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं, 100-150 ग्राम इसमें हम घर की मलाई का यूज कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप दोनों ही क्रीम को नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। और अब फिर से इसे आप चाहें तो मिक्सर में और चाहें तो इस तरह से बीटर से बीट कर लीजिए। अगर आप मिक्सर में करते हैं तो बड़े वाले जार में थोड़ा थोड़ा डाल करके करिएगा, क्योंकि आइसक्रीम हमारी खूब अच्छे से फूलने वाली है। देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी कम थी और इसे हमने बीटर से कम 10 मिनट तक बीट किया है, इस तरह से थोड़ी थोड़ा रुक करके। और हमारा ये आइसक्रीम देखिए फूल करके कितना ज़्यादा हो चुका है, पूरा ये मेरा 3 लीटर का बर्तन है, एकदम अच्छे से भर गया है। अब बीट करने के बाद मैं इसमें जो क्रीम था अमूल का फ्रेश क्रीम उसको मिला दूँगी। आप यहाँ पे घर की मलाई भी मिला सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया मैंने 1 पैकेट इसमें क्रीम का यूज किया है। अब इसे खूब अच्छे से बीट करेंगे। देखिए मैंने 10 मिनट तक इसे रुक रुक करके बीट किया है और मेरा ये जो बर्तन था 3 लीटर का ये एकदम पूरी तरह से भर चुका है और बहुत अच्छे से हमारी आइसक्रीम बीट हो चुकी है। अब इसे हम क्या करेंगे कि एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे और उसमें जमाने के लिए रख देंगे। तो इस तरह के 2 बॉक्स में मैं आइसक्रीम को डाल करके और इस पर क्लिंग रैप लगा दूंगी और फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। अब इसे कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए हमें फ्रीजर में छोड़ देना है। अब पूरी रात रख देंगे तो ये अच्छी तरह से जम जाएगी। अब फिर से मैं इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दूंगी और ऊपर से इसकी लेड लगा करके इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगी। अब इस तरह से 2 बॉक्स में मैं डाल दूँगी और ओवर नाइट के बाद देखिए आप हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छे से एकदम जम चुकी है। अब इसे हम स्कूप आउट करके भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छी हमारी आइसक्रीम जमी हुई है। वाओ, बहुत ही बढ़िया हमारी ये आइसक्रीम जम करके तैयार हुई है। देखिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं बाउल में, बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम जमी हुई है। और पता है आपको इस आइसक्रीम की खास बात क्या है? इस आइसक्रीम पे हम नमक और मिर्च ऊपर से डाल करके खाते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया हमारी आइसक्रीम देखिए स्कूप आउट हो चुकी है।
अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें एक चम्मच मैंने देखिए कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और थोड़ा सा उसमें रेगुलर नमक डाला है और आधा चम्मच इसमें मैं काला नमक डाल दे रही हूँ। अब इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको आइसक्रीम के ऊपर स्प्रिंकल करके खाएंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, आइसक्रीम के ऊपर, गुआवा आइसक्रीम के ऊपर इसको डाल करके खाने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही बढ़िया आइसक्रीमें लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।